ओमिक्रॉन के एक्सबीबी वेरिएंट चिंता का विषय है। WHO की साइंटिस्ट ने कहा कि वैसे तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की 300 से अधिक सब वेरिएंट हैं, परंतु इसका एक्सबीबी वेरिएंट डराने वाला है, क्योंकि WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस पर प्रतिरक्षा तंत्र का प्रभाव कम पड़ता है। उन्होंने कहा कि XBB अधिक संक्रामक होता जा रहा है। इससे निपटने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने निगरानी पर जोर दिया और मास्क पहनना जारी रखने की सलाह दी है। लखनऊ में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर GST के छापे। लखनऊ के प्रतिष्ठित छप्पन भोग के यहाँ छापा, राधेलाल के परंपरा ब्रांड पर भी छापा। सभी 14 ठिकानों पर SGST का छापा जारी। 3 जोन लखनऊ, अयोध्या और कानपुर के लगभग 70 अधिकारी जांच कर रहे हैं। STF SGST की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। VHP ने बजरंग दल का भर्ती अभियान शुरू करने का किया ऐलान। बजरंग दल का ज्वाइंट अभियान शुरू होगा। बजरंग दल 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के इन युवाओं को बजरंग दल से जोड़ेगा। रुचि योग्यता के आधार पर युवाओं को राष्ट्र धर्म के कार्यों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अमरोहा में गैंगस्टर भूरा की 95 लाख की संपत्ति कुर्क। पुलिस राजस्व टीम ने गैंगस्टर के मकानों में लगाई सील। मकान व खाली प्लाट पर कुर्की का नोटिस किया चस्पा। डुगडुगी बजाकर माफिया की संपत्ति कुर्क की। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का मामला। समीर महेंद्रू और विजय नायर की न्यायिक हिरासत बढ़ी। आबकारी नीति मामले में आरोपी समीर महेंद्रू और विजय नायर की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ी। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। विजय नायर को CBI और समीर महेंद्रू को ED ने गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में मोहन भागवत और CM योगी की मुलाकात हुई। प्रयागराज में भागवत और योगी की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक भागवत और CM योगी के बीच चली मीटिंग। प्रदेश और देश के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा हुई। करीब 1 घंटे तक भागवत के साथ रहे CM। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर SPG ने किया निरीक्षण। अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में PM मोदी के शामिल होने की योजना को लेकर सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेने तथा PM के कार्यक्रम को लेकर SPG पहुंची अयोध्या। राम जन्मभूमि राम की पैड़ी का किया निरीक्षण। सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी रहे मौजूद। गोला उपचुनाव चुनाव में ब्रजेश पाठक ने जनसभा को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे लखीमपुर खीरी। गोला उपचुनाव चुनाव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे ब्रजेश पाठक। गोला में चुनाव प्रचार करेंगे डिप्टी CM। विधायक अरविंद गिरी के आकस्मिक निधन से खाली हुई गोला सीट पर चल रहा है उपचुनाव। चुनाव प्रचार करते समय भावुक हुए डिप्टी CM। उन्होंने कहा है, मैं अमन गिरी के लिए वोट मांगने आया हूँ। इस चुनाव को प्रधान के चुनाव की तरह लड़े। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि अमन गिरी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ऐतिहासिक मतों से यह चुनाव जीतेंगे। BJP की दोहरी नीति से हर व्यक्ति दुखी। नरेश उत्तम। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम पटेल ने लखीमपुर खीरी दौरे पर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा। नरेश उत्तम पटेल ने कहा, BJP की दोहरी नीति से सब दुखी हैं। सपा किसानों की पार्टी है। किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा है। बाढ़ पीड़ितों का दुख दूर नहीं किया जा रहा है। हर चीज पर महंगाई बढ़ती जा रही है। BJP को सबक सिखाएं। CM केशव प्रसाद मौर्य के बारे में नरेश उत्तम ने कहा कि उनकी धरती सिराथू पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है। PM मोदी ने हिमालयी परिधान में किया केदारनाथ धाम के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिमाचली टोपी और पहाड़ी कपड़ों में केदारनाथ धाम के दर्शन किए। PM मोदी जिस पोशाक में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, ये पोशाक हिमाचल प्रदेश में चंबा की महिलाओं ने उन्हें गिफ्ट की थी। इस पहाड़ी परिधान का नाम चोलडोरा है। इस दौरान
पीएम के सिर पर हिमाचली टोपी भी दिखाई दी। सूत्रों के अनुसार पीएम ने तब महिलाओं से वादा किया था कि जब वह ठंडे स्थान पर जाएंगे तो वह इसे पहनेंगे। भाजपा से टिकट न मिलने पर निराश सुभाष शर्मा अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर से सुभाष शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सुभाष शर्मा शुक्रवार को करेंगे नामांकन। पार्टी से अनदेखी पर उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि मैं चुनाव तो लड़ना चाहता हूं, लेकिन पैसे नहीं है। इस पर 800 लोगों ने उनके खाते में 4 लाख रुपए भेजे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिले में उनकी ही सीट माने जाने वाली सदर विधानसभा से इस बार विरोध कड़ा होने वाला है। निर्दोषों की हत्याओं को जायज ठहराने वालों को एलजी ने दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग निर्दोषों की हत्याओं को सही ठहरा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को सही ठहराकर सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष 26 को संभालेंगे पार्टी की कमान। नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। राजनीतिक संदेश देने के साथ इस मौके को यादगार बनाने के लिए पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। एम्स के डॉक्टरों ने सांसदों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। सांसदों के इलाज की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली स्थित एम्स ने मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत सांसदों को एसओपी जारी की है, जिसके अंतर्गत से सांसदों की चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए सांसदों को विशेष फोन और लैंडलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों का एक धड़ा नाराज है। उन्होंने इस वीआईपी कल्चर की आलोचना की है। लैपटॉप चोरी गैंग ने गाजियाबाद में मचाया तहलका। गाजियाबाद के इंद्रपुरम कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने करीब 2 घंटे में 5 कारों का शीशा तोड़कर लैपटॉप, नकदी व कीमती सामान उड़ाया। 5 पीड़ितों ने स्थानीय कोतवाली में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। त्योहार के समय ताबड़तोड़ चोरियों ने खोली कानून व्यवस्था की पूरी पोल। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने इमरान खान को घोषित किया अयोग्य। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति छिपाने के आरोप में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया। दरअसल सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के समक्ष में इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने राज्य के भंडार से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा करने में विफल रहने के लिए उन्हें अयोग्य करने की मांग की थी। बौद्ध भिक्षु बनकर दिल्ली में रह रही चीनी जासूस गिरफ्तार। नेपाल की नागरिक बन भारत में पिछले करीब 3 साल से रह रही चीनी जासूस 50 वर्षीय महिला काइलुओ को भारत विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये महिला 2019 से बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में रह रही थी। पुलिस को उस पर चीनी जासूस होने का संदेह है। उसके पास से डोलमा लामा के नाम का एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र बरामद हुआ है। हालांकि यह पाया गया है कि वह चीनी नागरिक है। उसने 2019 में चीनी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत की यात्रा की थी। दिल्ली पुलिस ने चीनी महिला काई रुओ के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के चलते पीएस स्पेशल सेल में धारा 120B के साथ 419/420/467/474 IPC और 14 फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ओपेक प्लस हर दिन तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल तेल उत्पादन में करेगा कटौती। अक्टूबर की शुरुआत में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों से संगठन ओपेक प्लस ने हर दिन 20 लाख बैरल तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गईं। हालांकि अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने काफी कोशिश की, फिर भी सऊदी अरब ने फैसला नहीं बदला। नवंबर में अमेरिका में उपचुनाव है और उससे पहले सऊदी का यह फैसला और चिढ़ाने वाला था।
सऊदी अरब ने अपने फैसले को गैर राजनीतिक करार दिया है। सऊदी अरब ने ये आर्थिक फैसला बताया है। चीन में तीसरी बार शी जिनपिंग की ताजपोशी की तैयारी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी होने जा रही है, पर उनका तानाशाही तेवर अभी दिखने शुरू हो गए। शी जिनपिंग को इतनी सारी उपाधियां दी गई हैं कि उन्हें हर चीज का अध्यक्ष कहा जाता है। जिनपिंग का आकर्षण कम्युनिस्ट पार्टी के कुलीन वर्ग के बीच बढ़ रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा ध्यान अपने अस्तित्व पर है। चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग के एकाधिकार के लिए प्रचार किया जा रहा है, जिसका वहां काफी विरोध किया जा रहा है। बीजिंग में एक प्रदर्शनकारी ने पुल पर बैनर लगाकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए उस पर लिखा कि हम सुधार चाहते हैं, सांस्कृतिक क्रांति नहीं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।